हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, हमने जो पढ़ा था उसमें आज हम पढ़ेंगे कि उसके मीनिंग के बारे में और उसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं कुछ। तो उसकी जो सबसे पहली डेफिनेशंस है वो है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गम्स एंड प्रॉपर्टी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु और भूमि और अंतर संबंध शामिल है, जो जल, वायु, भूमि और मानव और अन्य प्राणियों में, पौधों के बीच में, सूक्ष्म और जीवों और संपत्ति में मौजूद होता है। मतलब एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास का जितना भी वातावरण होता है उस सबको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति कैसा बनता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके स्किल्स कैसे होते हैं, उसकी पावर्स कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं वो हम एक एनवायरनमेंट के थ्रू सीखते हैं। अगर हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो हम अच्छे बनते हैं, और हमें बेकार एनवायरनमेंट मिलता है तो हम बेकार बनते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट का क्या होता है, हमारे फिजिकली, मेंटली उसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। अलग अलग राइटर्स ने भी इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है, जैसे कि हमारे हैं प्रोफेसर F.J. मानहाउस के अनुसार, कोई जीव जो कोई मनुष्य या कोई वस्तु जिन परिस्थितियों में रहती है उन बाह्य दशाओं के संपूर्ण योग को ही पर्यावरण कहते हैं। वो कोई भी जीव हो सकता है, जैसे कि कोई मानव हो सकता है, कोई पशु पक्षी हो सकता है, वो जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उस एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है उनके ऊपर पड़ता है, और वैसे ही वो बन जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यदि किसी पेड़ को क्या हो, छाँव की ज़रूरत है, पानी की कम या ज़रूरत है, ठीक है, किसी को ज़्यादा की ज़रूरत है, अगर उसमें ज़्यादा पानी देंगे तो वो गल जाएगा, ठीक है, और किसी को कम की, तो उसको क्या है, जैसी जिसको नीड है उसे अगर वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग अच्छा होता जाएगा। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका या इम्पोर्टेंस निभाता है। एक राइटर है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, इन्होंने क्या बताया है वेबस्टर शब्दकोश में, एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग कंडीशन, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेसेस दैट इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडिफाई एंड एग्रीगेट ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअली और ए कम्युनिटी। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि पर्यावरण से आशय उन परिवर्तित परिस्थितियों से, प्रभावों तथा शक्तियों से है जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में, जैसे रीति रिवाज, भाषा, कानून, धर्म तथा आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, तो उन सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर पड़ता है। हम मान लीजिए पंजाब में रहते हैं तो हम वहाँ की एक्टिविटीज़ सीखेंगे, जैसे पंजाब में क्या होता है, भंगड़ा होता है, तो हम वहाँ पर भंगड़ा सीखेंगे, वहाँ के लोगों को, हर किसी को भंगड़ा आता होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, पंजाबी बोलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम गुजरात में रहेंगे तो वहाँ पर गरबा लोग सीख करते हैं, और ठीक है गुजराती बोलते हैं तो गुजराती, तो लैंग्वेज हुई, उनका वे ऑफ पहनने का स्टाइल हुआ, बोलने का स्टाइल हुआ, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वे के ऊपर डिपेंड करती हैं। बोलने में होता है कोई बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, कहीं के लोग बहुत तीखा बोलते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ का एक एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उनके साथ ऐसा हो रहा है। कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, कहीं पे कानून बनाया है कि यदि आप कहीं पे स्प्लिट करोगे, थूकोगे तो आपको क्या करेगा, इतना आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी लोग कर देते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर देता, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ के लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलते हुए भी कि यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया में जो है फुटपाथ है तो आपको यहीं पे चलना है, ठीक है, सिग्नल्स होंगे, ठीक है, आपको क्या है कार खड़ी करनी है, उसको एक वाइट लाइन है उसके इधर इधर खड़ी करनी, तो ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। धर्म, अब हम धर्म की बात करें, हम कहते हैं वी आर इंडियन, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, धार्मिकता जो है इंडियंस में ज़्यादा मिलती है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर हम ये अपना सकते हैं, हमारे यहाँ पे संस्कृति बहुत भूमिका निभाती है, ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति
प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अदर्स कंट्री में हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। तो एक हमारी जो संस्कृति है आर्थिक, अब देखो इकोनॉमी अगर हम बात करें तो इकोनॉमी जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। कोई कंट्री डेवलप्ड है और कोई क्या है, डेवलपिंग है, तो डेवलप्ड और डेवलपिंग का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री होंगे वहाँ पे क्या होगा, लोगों का रहने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, वहाँ बेरोजगारी नहीं मिलेगी हमें देखने के लिए। इसके बाद जो क्या है, जो कंट्री हमारे क्या है अनडेवलप्ड हैं, जो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग की ओर है एक तरीके से, वहाँ पे लोगों में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लोगों में बेरोजगारी देखने के लिए ज़्यादा मिलेगी, लोग रोज़गार के लिए परेशान होंगे, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि वो अपनी जो एसेंशियल नीड्स होती हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमें देखने के लिए मिलेंगी वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में। तो दोनों में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, अब इकोनॉमी कहीं की इकोनॉमी क्या है अप है, कहीं की इकोनॉमी डाउन है, तो ये सब चीज़ें वहाँ के इन्वायरमेंट को भी क्या करती हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा भी इफ़ेक्टेड होती हैं कि कहीं की इकोनॉमी क्या है अच्छी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और कहीं की इकोनॉमी क्या है स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट द्वारा इफ़ेक्टिव होती हैं और जो हमारे जैसे हम बनते हैं उसके ऊपर भी अपना असर डालती हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग राइटर्स, एक राइटर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, उन्होंने बताया है कि इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाई एज द होल सम ऑफ द सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशन विद इन एन ऑर्गेनिज्म ए कम्युनिटी एंड ऑब्जेक्ट ETC। तो इन्होंने बताया है कि कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, वो जैसी जैसी परिस्थितियों में, जैसी जैसी कंडीशंस में रहता है वैसे ही वो बनता जाता है। ये हमारे हम शुरू से ही बचपन से ही एक चीज़ पढ़े, इन्वायरमेंट इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण, परी प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बनाए। ठीक है, परी मतलब जो आप जानते हैं कि परी का अर्थ होता है चारों, और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए, अर्थात जिस आवरण में हम क्या होते हैं ढके हुए होते हैं वही क्या होता है पर्यावरण होता है, जिसके कारण क्या होती है जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमें प्रभावित करती है। ठीक है, कहीं पे आप देखते हैं कि कहीं पे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। ठीक है, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा दौड़ेंगे। ठीक है, वहाँ देखेंगे ना उनको देखने से कि फैमिली में हर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, ठीक है, हर किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे। कहीं पे देखते हैं कि डांस का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो डांस की तरफ जाएंगे। कहीं पे देखेंगे डॉक्टरी हो रहा है, कहीं पे देख रहे हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लोगों की ज़्यादा हुआ है कि हम अपनी इकोनॉमी डेवलप होगी तो डेफिनेटली सी बात है कि हम भी डेवलप हुए हुए दिखेंगे। तो वो लोग अपने बजट के ऊपर वो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करने लगते हैं कि हम छोटा बजट बनाते हैं जिसे हम अपने फैमिली में ही रख सकें, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो अच्छा रहा तो वो डेफिनेटली वो बजट क्या होगा, पूरी कंट्री के लिए भी आगे बना सकेंगे। तो ये चीज़ें हमारी बहुत ध्यान देने की होती हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि क्या एक बात बोली जाती है कि राजा का बेटा राजा ही बनता है। तो ये एक एनवायरमेंट का ही असर होता है कि उसमें कुछ क्या होता है, पैतृक गुण आ जाते हैं जिसके कारण वो ऐसा करता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, क्यों, क्योंकि उसे क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही उसको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली है कि हमारे जो फादर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना शासन करते हैं, ठीक है, प्रजा उनके अंडर में काम करती है, तो उनमें ऐसे ही एक जोश कह सकते हैं आप लोग, या क्या कह सकते हैं कि एक एनर्जी होती है कि हमको भी ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें इन्वायरमेंट मिलता है हम उसी के अकॉर्डिंग बनते जाते हैं। अच्छे इन्वायरमेंट का जो परिणाम होगा वो अच्छा होता है, और बेकार इन्वायरमेंट का जो परिणाम होता है वो बेकार होता है। कहते हैं कंपनी का इफेक्ट, एक वर्ड आपने सुना होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है। अगर आपको अच्छी कंपनी मिलेगी तो आप क्या होंगे, अच्छे बन के आएंगे, और अगर आपको बेकार कंपनी मिलेगी तो आप क्या होंगे, बेकार बन के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती है कि हम कैसे बन रहे हैं, हम कैसे नहीं बन रहे हैं। तो हमारा एक तो इन्वायरमेंट होता है, दूसरा हम खुद भी होते हैं कि हमें करना क्या है। फ्यूचर इन्वायरमेंट अच्छा है, फैमिली में सब कुछ अच्छे हैं, ठीक है, पर क्या है, हमारी मेंटलिटी खुद की बहुत बेकार है। ठीक है, हमें अच्छी सोच नहीं रखते हैं तो हम नथिंग, कुछ भी नहीं बन सकते। तो इन्वायरमेंट भी जहाँ तक आपको बनाने में सक्षम है, उसके साथ साथ आप खुद की भी अपनी एनर्जी, अपने विल पावर, अपना मोटिवेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को, आपको एक्सटर्नल
फैक्टर बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपके जो आसपास हैं, पर इंटरनल आपका कभी जागता ही नहीं है, नहीं हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमारे अंदर तो आलस है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इन्वॉल्वमेंट की डेफिनेशन के बाद कल हम कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।